पंजाब में सिर्फ पॉप सिंगर्स की फसल नहीं होती, कॉमेडियंस की भी होती है। पंचेस का लगाने जोर आ रहे हैं लुधियाना से जसवंत सिंह राठौर। क्या बात है, सबसे पहले तो आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हो रही है एक साथ। सबसे ऐसा लग रहा है मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज की कोई पुरानी फिल्म दोबारा रिलीज हो गई है। जिहाले मस्किन मकुन बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, ओ सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या और कोई शक हमारा दिल है। ओ अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। पंजाबी बंदे की गाने में तारीफ हो जाए अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि पंजाबियों के बारे में सबको भ्रम है, सबको लगता है या तो पंजाबी गाना गाते हैं या सीधा कनाडा जाते हैं, पंजाबी जो रह जाते हैं वो कॉमेडी शो में आते हैं। और ये बड़े कमाल की जगह है, यहाँ पर जो जीत जाए अपना खुद का कॉमेडी शो लेके आते हैं और जो हार जाए कभी कभी सीएम भी बन जाते हैं। पंजाब वाला माहौल है तो बता दूं, पंजाबी भाषा में बड़ा प्यार अपनापन है, जैसे प्रशा जी बैठी हैं, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे, वो देखो सुंदर लड़की बैठी है। पंजाबी में और देखो थोड़ी भाभी बैठी। अपनापन। अब पंजाब की बात चली है तो मैं पंजाब के पहले हीरो की बात करूंगा, पहला हीरो जिसने बॉलीवुड में धाक जमाई थी, यानी गैस तारा सिंह जी। तारा से एक बार जोरदार तालियां रुस्तम हिंद तारा सिंह जी के लिए। तारा जी देखो बेसिकली लोग उनको पहलवान समझते हैं, लेकिन पहलवान तो थे लेकिन वो अंदर की बात बताऊं वो पंजाबी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्होंने वहां वहां पंजाबी बोली है जहां किसी का बाप भी नहीं बोल सकता। शेखर जी मुझे पहली बार जब उनके दर्शन करने का मौका मिला मैंने कहा दारा जी आजकल आप पंजाबी फिल्में बहुत कम कर रहे हैं, भी बेटा बात ऐसे है 40-50 साल हो गए बॉम्बे में रहते हुए भी पंजाबी फिल्मों में मेरा हिंदी टच आ जाता है। मैंने कहा जो हिंदी फिल्मों में पंजाबी टच आ रहा है उसके लिए कोई नहीं रोकता। भी रोकेगा कैसे भाई, सब जानते मैं पहलवान भी तो हूँ। दरअसल बात ऐसे है बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की है फिल्मों में काम करने के लिए, मेहनत की है, अखाड़े में पहलवानों से कुश्ती की है और फिल्मों में हिंदी डायलॉग से। फिर मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि हीरो बनना है मुझे तलफ़ ठीक करना पड़ेगा। मैं क्या सर डिक्शन, मैं कहाँ से ठीक करवाया, काला मैकेनिक से, उल्लू के पट्टे इतना भी नहीं पता, उसके लिए उदरू का टीचर लगता है। उदरू? मैंने कहा सर उदरू नहीं उर्दू। हाँ हाँ भाई अर्दू। भाई मैंने टीचर रखा था शेखर साहब, उसने आते मेरा टेस्ट लिया, बोला दारा ये देखो हिंदी पढ़ के पंजाबी में ट्रांसलेट करो, राम स्वरूप बीमार था फल स्वरूप मर गया। मैंने कहा बोझ छोड़ो पहले ये बताओ कि राम स्वरूप बीमार था फल स्वरूप क्यों मरा। बोले समझे नहीं, कहते राम स्वरूप बीमार था प्रणाम फल स्वरूप मर गया। मैंने कहा लो अब तीसरा मर गया। भाई जो बीमार है वो क्यों नहीं मरता। फिर टीचर को समझ आ गया इसके साथ 2 महीने स्पेंड करने पड़ेंगे। तो 2 महीने हम कमरे में है तब जाकर आई, मैं क्या आपको हिंदी नहीं मास्टर को पंजाबी। यहाँ पर देखा जाए तो 70% पंजाबी है, 30% बिहारी। अगर आप पंजाब चलो जो उल्टा है, 70% बिहारी 30% पंजाबी है। जैसे हम लोग यहाँ बम्बई आते हैं कनाडा जाते हैं, हर बंदा रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जाता है, नहीं जाता। जब बिहार से हमारे प्रवासी भाई जिस स्टेशन से उतरते हैं सबसे पहले इनका स्ट्रगल शुरू होता है सुलभ शौचालय से। तो बड़े मौन होते हैं, शांत स्वभाव के, फालतू नहीं बोलते क्योंकि मुंह में मसाला होता है। और ये जवाब तभी देते हैं जब सामने वाले की बात की वैल्यू मसाले से ज्यादा हो। सबसे पहले वो स्टेशन से बाहर आते हैं ना तो आपस में कुछ बात करते हैं, कर दिया ना को सीना बात कैसा मैं कमर चैन लमाटो को चम चंगी जा बंदनी वा बोल गया रे बात कर दिया बात कैसा। तो एक बंदा बहुत परेशान खड़ा है, क्या हुआ, प्रेशर आ रहा मार के एक लपड़ाने का प्रेशर आ रहा, सुबह से खपा खप खा रहा था बोल। सुन सामने संडा से चला जा और सुन सारा मत करना दोबारा भूख लग जाएगा। अब थोड़ा आगे गए तो पंजाब पुलिस ने घेर लिया टाइम पास के, हाय बाबूजी। किधर से? हाँ बाबूजी दरभंगा जिला मूलक से।
कैसे आए हो? बाय यार आए हैं बाबूजी, बाय। जहाज पे नई ट्रेन की छत पर बैठ के हवा खाते हैं। हमारे उधर नारा है बाबू जी, हम दो हमारे दो, तीसरा हुआ पंजाब भेज दो। क्योंकि बाकी दो को तो बुला ही लेगा। जैसे रुपया जी खींचता है, भैया जी खींचता। ओ तो ठीक है, तेरा तलाशी लेना पड़ेगा। अरे बाबू जी कहाँ तलाशी ले, गरीब आदमी का सुख कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बवासीर के बाबू जी। तलाशी लेना पड़ेगा, गठड़ी में क्या? लाखों का सामान है बाबू जी। अच्छा, करने मजदूरी आए हो और सामान लाखों का? खोलो। ओ खोला। ओए तू तो कह रहा था लाखों का सामान आ जाएगा, मिठून का सीढ़ी, चार गमछा, पजामा, गुड़ सत्तू, ये क्या है? अरे बाबू जी हमारे चचा का लड़का यहाँ काम करता है, उसका नाम है लाखो यादव, उसका सामान है लाखों का सामान। लाखों का सामान तो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह हम लोग डिपेंड हो गए इन पे। इतने डिपेंड हो गए कोई काम सोच भी नहीं सकते। तो गुग्गी पाजी हमारे कुछ दिन पहले सरपंच बन के आए थे, उनका मुझे फोन आ गया जिस दिन वो आए ना। हाँ जसवंत राजे, मैं लाफ्टर में जा रहा हूँ, है ना? तो बात ऐसे बेटा, मेरे ना घर में थोड़ा काम है, तो एक मुंडू मुझे लड़का सजेस्ट कर कोई अच्छा सा, है ना राजे, जो मतलब शादीशुदा हो। मैं कहा पाजी शादीशुदा क्यों? एक तो देखो शादीशुदा को घर जाने की जल्दी नहीं होती, दूसरा बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं कहा पाजी आपको कैसे पता? तजर्बा। तो मेरा एक दोस्त है गोली, मैंने उसको भेज दिया, वो इंटरव्यू ले रहे हैं गुग्गी पाजी जल्दी जल्दी में। हाँ जी गोली जी, आपकी शादी वगैरह हो गई है? शादी नहीं हुआ बाबू जी, वगैरह दो तीन बार हो गया। हाँ बंदा तू ठीक है, बंदा ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है ये फार्म पे? क्या लिखा है? 4 साल का तरबूजा। लिखना तो तजुर्बा था, लेकिन बाबू जी पंजाब में गर्मी बहुत पड़ रहा है, तरबूजा लिख हो गया बाबू जी। मेरी बात सुनो, तुझे तजुर्बा तो लिखना आता नहीं, तेरे को काम पे क्या रखूं? हैं? अरे बाबू जी हम तो चेक कर रहा था तुमको पंजाबी पढ़ना आता है कि नहीं। अच्छा अच्छा तेरा लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे हम खुद जिम्मेदार है बाबू जी, पहले हम शेखर सुमन के घर में काम करता था। अच्छा। कभी भी कोई गलती होता था बोलता था यही जिम्मेदार है। अभी कॉन्फिडेंस आ गया शेखर साहब। हाँ। जैसे हमें 5-7 साल बाद बॉम्बे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बातें आ जाती हैं, पहले नहीं होती। अभी कॉन्फिडेंस आ गया, अभी क्या है पुलिस को जवाब भी देते हैं, किसी से नहीं डरते। तो इन तीन जाने एक बाइक पे? तीन नहीं बाबू जी, 4। 1, 2, 3। अरे चौथा कहाँ गया? गोविंदा कहाँ? अरे यार वहीं तो दारू पिलाने वाला था। एक तो तीन जने ऊपर से दारू, मुंह खोल नहीं बाबूजी, मुंह खोल। बाबूजी हमने सुना है 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आता है, तुमको 100 रुपये दो तुम चला भी जाता, इससे ज्यादा मुंह नहीं खोलेंगे बाबूजी। अरे बाबूजी मारना मत, यहाँ आईफोन रखा। आईफोन रखा? काम क्या करता तू? स्टूडेंट है बाबूजी। स्टूडेंट का क्या पढ़ता है? पंजाबी पढ़ता है बाबूजी। ओए पंजाबी पढ़ के क्या करेगा? पढ़ेगा पंजाब तभी तो बढ़ेगा कनाडा। बकवास बंद कर, तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? अरे पाजी सारा कुछ जानते हैं पंजाब के बारे में, 15-20 सालों का की गल करती है पाजी। हम शादी ब्याह में दारू पी कर ये भी कर लेता है। आकड़ाता है पंजाब के बारे में, तुम क्या जानते हो पंजाब के बारे में? तुम पंजाब में आम लेने आते हो और यहाँ के लोग जो कनाडा जाता है केला खाने जाता है। और भाजी हमको ऐसा कह रहा है, सुना कनाडा में इतना पंजाबी हो गया, तुम लोग जब सिग्नल तोड़ता जो पुलिस आता वो भी पंजाबी आता है। तेरी ओए मेरी बात बकवास करता है, यहाँ मजदूरी करने है, मजदूरी कर क्या? मजदूर है बाबू जी, ठीक है मजदूर है, हम उधर भी मजदूरी करता है इधर भी मजदूरी करता है, तुम लोगों की तरह नहीं, उधर जाके कनाडा में मजदूरी करता है, इधर कोठी को ताला लगा के हमको दे जाता है। हमको कहता हम पंजाब से नहीं है यार। अरे तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी हम संभालता है, और जिस जमीन को तुम माँ कहते हो उसको भी हम संभालता है। अरे नेरहुआ छोड़ के पंजाबी राग गा रहा है, लिट्टी चोखा छोड़ के सरसों का साग खा रहा है, तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। अरे जिस कनक को तुम खाता है उसमें हमारे पसीने का भी खुशबू है, तुम कहता है पंजाब हमारा नहीं है। क्या बात है। पंजाब में बिहार हम भाई भाई है, ठीक है भाई, इधर भाई
ठीक है बाबूजी, भाई भाई है तो शाम को एलोवेरा पिलाओ हमको। एलोवेरा? एलोवेरा क्या? वही जो पंजाबी गिलास में डाल के कहता है एलोवेरा चीयर्स। यार जसवंत, तुमने जो दारा जी का जो जो इमिटेशन मिमिक्री की वो तो वाकई बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन माइंड ब्लोइंग जो मिमिक्री थी वो थी गुगी पाजी की। अरे थैंक यू। आवाज तक तुमने, एक बार फिर से करके दिखाओ गुगी पाजी कैसे बोलते हैं। देखो अर्चना जी, बात ऐसे है कि हम पंजाबी हैं, आपने भी फिल्में काफी की हैं। मैं क्या बात, एग्जैक्टली लाइक गुगी, माय गॉड। वो मेरे गुरु भाई हैं गुगी पाजी। जसवंत, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हंसाने की विधा तो सबको आती है, ये सब लोग आए हंसाए, लेकिन हंसाते हंसाते रुलाने की विधा जो तुम्हारी थी वो बहुत, वो कमाल का एक मोमेंट था। उसके लिए आई वांट टू जी बनता है वो मोमेंट आए, और आपने बहुत अच्छा किया आज। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अच्छा एक बात बता जी, ये जो हमारे पंजाबी गाने हैं वो पूरी दुनिया में बजते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात है? देखो सर, कोई भी चीज़ हिट होती है ना उसका फायदा होता है। मुझे लगता है पंजाबी गाने एंटरटेन तो करते ही हैं, साथ में नॉलेज भी बड़ी देते हैं। जैसे? जैसे आपने गाड़ी खरीदनी हो, नहीं आपको ऐड देखने की जरूरत नहीं है ना, शोरूम जाने की जरूरत नहीं, पंजाबी चैनल लगाओ पता चल जाएगा लेटेस्ट गाड़ी कौन सी आई हुई है। और जनरल नॉलेज बड़ी बढ़ती है आपकी, आम बच्चों की, जैसे सूट पटियाला का, पैग पटियाला का, लड़की कहाँ की, लाहौर की, बॉयफ्रेंड करेक्टरलेस कैसा होता है, कदे फुल कदे तितली जैसा होता है, बिजली के रिश्तेदार कौन है, चन्न की भैन बदलां दी कुड़ी, ये सब नॉलेज मिलती है इसमें। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में है, जनरल सवाल है कि जीवन चक्र क्या है? जीवन चक्र मुझे लगता है मैम ये है कि इंसान जहाँ से शुरू करता है घूम फिर के उसको वहीं आना पड़ता है। अब आदमी साइकिल चलाता है, पांव दुखते हैं, बोलता है भगवान मेहनत, मैं कि तेरे माँ मारे मैनू भी बाइक दे, बाइक मिल जाती है, बाइक चलाता है पेट दुखने लगती है, बोलता है यार गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आ जाती है, गाड़ी में कम्फर्ट जोन में आया था पेट बाहर आ जाता है, बोलता पेट आ गया थोड़ा जिम विम ज्वाइन करे, जिम जाके फिर साइकिल चलाता है, ये जीवन चक्कर है। आप ये बताइए पुरानी फिल्मों में अगर मोबाइल होता तो नजारा क्या होता है? मैं सोचता हूँ अगर पुरानी फिल्मों में मोबाइल होता आज से 20-25-30 साल पहले तो आई थिंक सारी फिल्में कॉमेडी ही होती। क्यों? डायलॉग उसके वैसे होते। अभी करण अर्जुन पुनर्जन्म वाली फिल्म, अमरीश पुरी ऑनलाइन राखी को चेक कर रहा है कि नहीं? अरे केसरिया, अरे आज बुढ़िया ऑनलाइन नहीं आई, लगता है उसकी काम वाली बाई नहीं आई। आ गई आ गई आ गई, अभी वॉइस मैसेज भेज रहे। अरे बुढ़िया, अब तो तेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, अब तू क्या करेगी? तो राखी, दुर्जन सिंह मैं वो माँ नहीं हूँ जो बेटा के लिए तरसती, मैं डेटा के लिए तरसती हूँ। मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो नया चार्जर लाएंगे, फिर रात को 2-2 बजे तुम्हें 2 बजे वाले मैसेज भेजूंगी। पर मुझे तुम इस समय बिल्कुल सुनील शेट्टी दिखाई दे रहे हो, अब उसकी आवाज में कुछ करो। मैं समझता हूँ शेखर तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि हमने एक से बात कर एक फिल्म साइन की। और आई थिंक मुझे लगता है कि शेखर वो यारों का यार है जो कभी दोस्तों को भूलता नहीं। और अर्चना को मैं कैसे भूल सकता हूँ, बड़े दिल वाला में मेरी ये घरवाली बनी थी। बहुत तंग किया था तुमने मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू, लेट्स हियर इट फॉर हिम वन मोर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।